सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ दौरा है। वृहद रोजगार ऋण मेले का सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। वहीं 11 बजे सुबह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के सामने रोड में कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें सोमना रोड में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां दुरुस्त कर दी गई है। 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों वितरित किया जाएगा। उद्यमियों को भी आपको बता दें 35 करोड़ के ज्यादा का ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण का भी आपको बता दें इंतजाम किया गया है। 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का करेंगे सीएम योगी लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं इस खबर पर हमारे साथ विजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। विजय, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से अलीगढ़ दौरा है और वो वृहद जो ऋण मेला है उसको भी रोजगार मेले का भी आज शुभारंभ करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव वाले जनपदों में, यानी जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन जनपदों में लगातार दौरे पर है और वहाँ लोगों को परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं और लोगों से बातचीत करके, संवाद करके कार्यकर्ताओं को भी एक तरीके से कहा जाए तो संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ी में आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं सीएम योगी और उसमें वो वृहद रोजगार ऋण मेले का शुभारंभ करेंगे। यहाँ पर लगभग 11 बजे सुबह कार्यक्रम में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे। गुरुकुल जो पब्लिक स्कूल सोमना रोड पर है, यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और वो निजी जो कंपनीज हैं उनके यहाँ उनकी नियुक्तियों का प्रावधान किया गया था सरकार के एजेंडे पर। इन जनपदों में युवाओं को चिन्हित किया गया, उनके द्वारा उन कंपनियों में उन्हें चिन्हांकित करते हुए रोजगार की व्यवस्था कराई गई। इसके साथ ही 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण भी करेंगे और लगभग अलीगढ़ के लिए 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का आज लोकार्पण भी करेंगे। तो अलीगढ़ के लिए बड़ी सौगात है और आसपास के जनपदों को जोड़ने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सड़कों की भी परियोजना है जिनकी मंजूरी सरकार ने दे दी है और उसी का आज उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं।